में हम आपको एक ऐसी बहुत ही मशहूर शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो मुंबई जैसे व्यस्त शहर के पुलिस कमिश्नर रहे हैं और हिंदुस्तान जैसे विशाल देश के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखते हैं इस विषय में डॉक्टर सत्यपाल के क्या विचार हैं। देखिए, मैं पुलिस के कैरियर में बहुत व्यस्त था और मुझको लगता है कि ये पॉलिटिक्स का जो प्रोफेशन है ये तो सबसे ज़्यादा कठिन है और सबसे व्यस्तम है। इसमें रहता हुआ भी मैं अपने लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ समय प्रतिदिन, मैं चाहे एक्सरसाइज के लिए मुझे समय निकालना हो या हवन के लिए, मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी धनवान हो, हर एक व्यक्ति जो है अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को जो है गंदा करता है। इसलिए हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि कम से कम हम यज्ञ करके जो हवा हम गंदी करते हैं, कम से कम खुद तो उसको शुद्ध करने का काम करें। अगर मैं इसको कर सकता हूँ इतना व्यस्त रहते हुए, तो हम सब लोग कर सकते हैं। सर, आप इस देश के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो मोटिवेटेड रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें बिल्कुल आपकी तरह? देखिए, कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि कुछ जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं। उदाहरण के लिए, मैं पुलिस में रहा, पुलिस कमिश्नर भी रहा, कई शहरों का रहा, लेकिन कभी मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ। उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण था कि मैं हमेशा अपने जीवन के अंदर बहुत ही पॉजिटिव रहा, बहुत ही सकारात्मक रहा। समाज के लिए मुझे ये लगता है, अगर ईश्वर ने मुझे कोई जगह दी है वो समाज की सेवा के लिए दी है, राष्ट्र की सेवा के लिए दी है। ये कुर्सी बहुत ही अस्थायी, बहुत ही टेम्पररी है। नंबर दो, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, इस बात का मैंने हमेशा ध्यान रखा, व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ, दो शब्द होते हैं हिंदी में, एक होता है मैं इसको पसंद करता हूँ, दूसरा मैं इसको घृणा करता हूँ। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं आई लाइक और आई हेट इट। तो मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू स्टार्ट हेटिंग डिजीज, अगर आप बीमारी से घृणा करना शुरू कर देंगे तो बीमारी आपके पास नहीं आएगी। ये सकारात्मक भाव जिन लोगों के पास होता है, समाज का भाव जिन लोगों के, समाज राष्ट्र की सेवा का भाव जिनके पास होता है, और जो चाहते हैं कि प्रत्येक दिन उनके लिए एक नया दिन है, प्रत्येक दिन उनके लिए उनका एक नया जन्मदिन है, ऐसे लोग समाज के लिए अच्छा काम करते हैं और बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के वो समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। युवा समाज के और देश के भविष्य हैं। युवा अगर आए हैं, जिस परिवार में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, जिस देश में पैदा हुए, उनके आने के बाद अगर परिवार, समाज और राष्ट्र का हित साधक साधन नहीं होता, इसलिए कुछ न कुछ का कुछ कमी रह गई। आज युवा उनके जिसको सर्वांगीण विकास कहते हैं, उनका शारीरिक, उनका सामाजिक, उनका आत्मिक और मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि युवा शात साधु, युवा अध्याय के आशिष्ट हो, दृढ़िष्ट हो, बलिष्ठ हो। अगर जिस समाज के अंदर युवा बहुत ही अच्छे चरित्र के धनी हों, अच्छे पढ़े लिखे हों और फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रॉन्ग हों, शरीर से, आत्मा से और मन से बड़े मजबूत हों, उसी समाज का जो है जो भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अगर हमारे युवा देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक, मैं कई बार एक सूत्र, एक फार्मूला बताता हूँ कि पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा, और आए बीमारी तो लगाओ डंडा। जो युवा प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो इस प्रकार का खाना खाते हैं ताकि उनका डाइजेशन सिस्टम, उनका पाचन ठीक से चले, और जो बिना स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के काम करते हैं, वो हमेशा जो है स्वस्थ रहते हैं।
कई बार लोग कहते हैं मेरे पास व्यायाम करने के लिए समय नहीं। मैं इनको इस बात को कहता हूँ, जिनके पास एक्सरसाइज करने के लिए व्यायाम के लिए समय नहीं, उन्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डॉक्टरों के पास जाने के लिए समय निकालना ही पड़ेगा, और केवल समय नहीं उन्हें अपने जेब से पैसा भी देना होगा।